जप करने के लिए माला का उपयोग करना अनिवार्य माना जाता है। पुराणों के अनुसार बिना माला के किया गया जप व्यर्थ है। रोज सुबह के समय देवी देवताओं का जप करने से कई शुभ फल मिलते हैं। कितने दानों की माला से जप करना सबसे अच्छा होता है और कौन सी इच्छा पूरी करने के लिए किस उंगली से माला फेरनी चाहिए, इस बात का पूरा वर्णन शिव पुराण में दिया गया है। श्लोक अष्टोत्तरशंत माला तत्र स्यावृतमोत्तम मा शतसंख्योत्तमा माला पक्षद भिस्तु मध्यम मा, अर्थात 108 दानों की माला से जप करना सबसे अच्छा होता है, 100 दानों की माला से जप करना भी अच्छा होता है, वहीं 50 दानों की माला से जप करना मध्यम होता है। एक शिव पुराण के अनुसार जिस किसी को भी धन पाने की चाह हो उसे रोज सुबह मध्यमा यानी मिडिल फिंगर से माला का जप करना चाहिए। दो जिस किसी को भी मानसिक सुख शांति पाने की चाह हो उसे अनामिका यानी रिंग फिंगर से माला का जप करना फायदेमंद होता है। तीन सुखी जीवन और मोक्ष पाने की इच्छा रखने वालों को अंगूठे से माला का जप करना चाहिए। चार जो मनुष्य दुश्मनों से परेशान हो उसे शत्रु से मुक्ति पाने के लिए तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर से माला का जप करना चाहिए। आगे देखें खबर का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन।